तो हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक छोटी सी है। ब्रेकफास्ट जो मैं लेता हूँ वो आपको ही बताऊँगा क्या करता हूँ, कैसे बनाता हूँ, काफ़ी टेस्टी होगा। तो चलो जल्दी से बनाते हैं। अभी पहले हमें किचन में जाना होगा, तो किचन में नहीं, यहीं पे बना लेते हैं, फिर किचन में उसको बना लेंगे। ये पीनट बटर है और ब्रेड लेके आ रहा हूँ मैं। ये रहा ब्रेड, तो इन दोनों से ही बनाना है बस, और एक प्लेट और लेके आता हूँ। तो बस इतनी चीज़ें ही चाहिए। अब मैं जैम भी यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, अभी मैं बताता हूँ जब बन जाएगा, पर अभी है नहीं मेरे पास जैम, तो ऐसे ही बना लेते हैं, ख़त्म हो गया जैम। तो ये तीन ब्रेड लेने हैं हमें, अभी पहले एक का यूज़ करेंगे हम। पीनट में ब्रेड लगा के तो आप खाते ही होंगे, पर कुछ लोगों को टेस्ट नहीं लगता होगा, तो हम करेंगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसमें लगाएंगे ये पीनट बटर ऊपर, इसके ऊपर एक और रखेंगे ब्रेड, सैंडविच बन जाएगा। फिर गैस पे उसको गरम करना है, तो फिर जो गरम गरम आता है ना पीनट बटर, वो काफ़ी टेस्टी लगता है। अब मैं इसमें जैम डालता हूँ तो वो और टेस्टी लगता है, पर अभी है नहीं, तो आप पे अगर हो तो डाल लेना, पर मेरे पास अभी नहीं है तो नहीं डाल रहा मैं। तो मैं लगा लेता हूँ इसके ऊपर पीनट बटर पूरा, फिर दिखाता हूँ। ये करने के बाद इसके बाद एक और ऊपर ब्रेड डालेंगे। अब तैयार है हमारा, बस इसको अब गैस पे गरम करना है। और ये एक ब्रेड अलग से लूँगा मैं, डालूँ मतलब इसको, पीनट बटर नहीं लगाना है इसमें, बस सेक लेना है इसे। तो चलते हैं किचन में, इसको बंद कर देते हैं। फिर पीनट बटर मेजर किया था, किचन थोड़ा गंदा हो रखा है अभी क्योंकि खाना वाना बन रहा था। तो इस पे मैंने थोड़ी सी घी डाली है, दो तीन ड्रॉप ही होगी, और ब्रेड डाल लेते हैं। अब इसको सेकना है, इसको बस थोड़ा क्रंची टेक्सचर दे देना है, बस वो खाने में फिर टेस्टी लगता है। टोस्टर में भी बना सकता हूँ मैं, पर मेरे को गैस पे ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए अभी करते हैं इसको, मस्त तैयार हो जाएगा। ऐसे बना के देखना आप, गरम गरम जो पीनट बटर जाता है ना थोड़ा मुंह में, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे नॉर्मली खाया नहीं जाता, ये मेल्ट हो जाता है थोड़ा और, तो और टेस्टी लगता है, और गरम गरम हो जाता है तो और अच्छा लगता है। जैम तो था नहीं, वरना जैम के साथ और टेस्टी लगता, पता नहीं आज वीडियो बनाने के आज ही ख़त्म हो गए। जैम वैसे मैंडेटरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है डालना, वो तो उस टेस्ट के लिए थोड़ा डालता हूँ, वरना इतना ही बहुत है। तो जब आप ब्रेड को डाल रहे हो तवे में और घी आपने बहुत कम डाल रखा है, तो ऐसे थोड़ा घुमा लिया करो ऐसे ऐसे, वो चिपक जाएगा पूरा नीचे, तो फिर चिपक गया जल भी जाएगा फिर, तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, इसीलिए ऐसे कर लिया करो, ये ट्रिक अच्छी है, आपका ब्रेड जलेगा नहीं। थोड़ा सा फ्लेम बढ़ाते हैं, बस क्रंची करना है हमें इसे, ताकि खाने में मज़ा आए, और कुछ नहीं करना। तो भाई अपना ब्रेकफास्ट तैयार है, ये रहा मस्त क्रंची, देखो आवाज़ आ रही है क्या क्रंची, ऐसे नहीं आ रही होगी, खाऊंगा मुझे ही आ रही है। तो ये पंखा बंद करना है यार, पहले आवाज़ ही नहीं आएगी वरना मेरी। तो ये भी करता हूँ मैं, यही है मेरा ब्रेकफास्ट, काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे।
नॉर्मली अगर आप खाओगे ब्रेड में पीनट बटर लगा के तो टेस्टी नहीं लगे, तो ऐसे खाओगे तो काफ़ी टेस्टी लगता है और मज़ा आता है खाने में फिर। तो ये ट्राई करके देखना आप, बाद में थैंक यू बोलोगे मेरे को, कमेंट में तो बोलते नहीं हो, मन में ही बोल देना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए करो सब्सक्राइब चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो अगर अच्छी लगी हो तो, हेल्पफुल हो वीडियो अगर तो, ऐसा लगा हो कि कुछ ऐड हुआ है, वैल्यू ऐड हुआ है आपकी लाइफ में, क्योंकि नॉर्मली पीनट बटर और ब्रेड खाते हैं तो टेस्टी नहीं लगता है, ऐसे करोगे तो आपको डेफिनेटली टेस्टी लगेगा और मज़ा आएगा खाने में। बस मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।